नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बेस। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश के कुछ मुख्य खबरों के साथ। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर बोले, इनकी लापरवाही की कीमत दूसरे क्यों चुकाए। मुंबई में एक 30 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला से रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी, जिसके बाद से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रायपुर जिला अदालत ने 10,000 रुपए के बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड को दिया मैच रिशेड्यूल का ऑफर। 2022 में भी इंडियन टीम इंग्लैंड जाएगी, तब हो सकता है 5वां टेस्ट। उत्तराखंड में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी, ये बात भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए लोगों को चारधाम यात्रा की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा, अगर इसी दौरान राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की रैलियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसी दौरान हिंदुओं की आस्था का केंद्र चारधाम यात्रा क्यों रोकी गई है। विधानसभा क्षेत्र में पैर जमाने में जुटी आम आदमी पार्टी में बगावत के स्वर उभर रहे हैं। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए जनरल सिंह काली को विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बनाए जाने का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद कुमार विश्वास के प्रतिष्ठान पर हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। योगी सरकार का मथुरा को लेकर बड़ा फैसला, श्री कृष्ण जन्मस्थली का 10 किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, शराब और मांस बैन। असम के जोरहाट नाव दुर्घटना में घायल यात्रियों से मिले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिया हर संभव मदद का भरोसा। न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर आईटी की कार्रवाई, टैक्स चोरी और लेन देन में गड़बड़ी की जांच करने पहुंची आयकर टीम, दोनों पोर्टल के बही खाते खंगाले गए। तो फिलहाल आज के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।